हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को भारत का बुर्ज खलीफा दिखाने वाले हैं। हमारे पीछे जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मुंबई की ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की सबसे ऊंची इमारत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को इसके इतिहास के बारे में बताएंगे कि ये कितने मंजिला इमारत है और इसको बनाने में कितना खर्च आया है। जी हाँ गाइज, आप सभी को तो पता होगा कि बुर्ज खलीफा दुबई में है, लेकिन भारत का बुर्ज खलीफा मुंबई के वर्ली में स्थित है। जी हाँ, अभी भी इसका काम जारी है। और क्या इसकी हिस्ट्री है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे और नज़दीक से भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके इसके हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और अब जानते हैं थोड़ा इसके इतिहास के बारे में। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर मुंबई के वर्ली में आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा कैसा है गाइज, इस समय हम खड़े हैं मुंबई के वर्ली नाके पे। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन इतिहास में ये जो आपको मैं सीधा दिखा रहा हूँ ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम ही दर्ज किया गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा इस बिल्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि इस बिल्डिंग का आखिर इतिहास क्या है और इसे बुर्ज खलीफा के नाम से क्यों जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके निर्माण के लिए परमिट 2005 में दे दिए गए थे और निर्माण कार्य इसका 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ गैर सरकारी संगठनों और UHRF दिल्ली द्वारा एक याचिका यानी मुकदमा दर्ज करा दी गई। इसके कारण परियोजना की जो प्रगति थी, जो काम चल रहा था, उसको रोक दिया गया। फिर अक्टूबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मुकदमों का निपटारा कर दिया गया। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपये का खर्च आया था। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो गेट है ये 2A गेट है, यानी इसके चारों तरफ यहां पर गेट भी लगाए गए हैं और ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। यहां से आप लोग एकदम नज़दीक से इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। और वहीं पर इस बिल्डिंग को बिना किसी खरीदार के मई 2019 में नीलामी के लिए रखा गया था। फिर एक और नीलामी 2019 के मध्य में हुई थी और अधूरी साइट को ईमानदार सेल्टर्स नाम की कंपनी ने 705 करोड़ में ही खरीद लिया था। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, लेकिन इसे 705 करोड़ रुपए में ही बेच दिया गया और इस इमारत की ऊंचाई भी कम कर दी गई। और गाइज, वहीं पर आपको हम बता दें कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई है 320 मीटर यानी 1050 फीट और इस पूरे बिल्डिंग में 88 मंजिल है। जी हाँ, और इस बिल्डिंग में 12 लिफ्ट भी लगाए गए हैं। गाइज, आपको बता दें कि इसे 320 मीटर से 294 मीटर कर दिया गया है और इमारत में 740 और 1300 वर्ग मीटर यानी 8000 और 14000 वर्ग फुट के बीच के क्षेत्रों के साथ इसमें 120 अपार्टमेंट भी शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है मुंबई के वर्ली में स्थित भारत का बुर्ज खलीफा यानी सबसे ऊंची बिल्डिंग। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको पैलेस रॉयल का पूरा ब्लॉग वीडियो शूट करके दिखा दिया है और इसमें बता भी दिया है कि कितनी मंजिला ये इमारत है और इसको बनाने में कितना खर्च आया था और इसके काम को अभी यहाँ पर रोका गया है। फिलहाल अब ये काम चालू होने वाला है। उम्मीद करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।